सो गाइस डन विथ माय हेयर कट। तो कल अजीब लग रहा है काफी। सो गाइस ट्रैवलिंग प्लान्स हमारा हो गया है रेडी। बैग्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पर रखा हुआ है, दिख नहीं रहा शायद ये बैग वगैरह है। कपड़े वपड़े पूरा मेस्ड अप पड़ा हुआ है। मुझे भी जो है अपना बैग वैग पूरा प्रॉपर कहते हैं ना वो रख के ओके एकदम ये कर लेना। तो फिलहाल तो चलते हैं सलून, एक नया हेयर स्टाइल लेते हैं, शेव वगैरह कराते हैं। शेव मतलब दाढ़ी को ट्रिम विम कराऊंगा, ठीक है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज यू वोंट बिलीव मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए। नए प्लेस में हम जाएंगे, नए नए जगह देखेंगे, प्लस जो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों 6 मंथ मुंबई कोलकाता में करता हूं, ये सब आप लोगों में टाइम में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सलून चलते हैं, जाके थोड़ा सा हुलिया हम लोग अपना बदल लेते हैं। ट्रैवलिंग के नाम पे जो स्टमक में जो बटरफ्लाई घूमते हैं वो किस किस को होता है? मुझे तो बहुत होता है। यू नो मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कहते हैं ना बिजनेस ट्रिप होता था, ऑफिस के ट्रिप्स होते थे, पर एवरी टाइम जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रैवल के पहले ना स्टमक के अंदर एक काइंड ऑफ बटरफ्लाई जो घूमते हैं ना वैसे होता था। तो आप लोग अगर होता होगा तो कमेंट करके मुझे बताइए कि स्टमक में बटरफ्लाई आपके कब होता है, जब ट्रैवलिंग के नाम पे होता है या किसी काम अगर टेंशन भरा कुछ काम रहेगा तभी होगा। तो प्लीज़ कमेंट डाउन मुझे करके बताना। तो फिलहाल मैं अभी हो रहा हूँ लेट क्योंकि आज संडे का दिन है तो पार्लर में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, तो हम जल्द से जल्द चलते हैं। गाइस डन विथ माई हेयर कट। तो चल अजीब लग रहा है काफ़ी, बट यूजली मैं ऐसी हेयर कट रखता हूँ। टूर पे जा रहे हैं बोल के थोड़ा सा यूनिक जो है हेयर स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा सा आपका भाई A1 पंटर लगना चाहिए बोल के ऐसे हेयर कट कराया है। गाइस यार कमेंट इट डाउन कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल। और सागर भाई के इधर ही यूजली मैं इधर ही कटाता हूँ यार। और यू नो जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना भले किसी भी स्टेट में हो ना बड़ा टेंशन आता है यार बाल कटाने एक बताना, क्योंकि यार उधर का पता नहीं उनका हाथ कैसा होता है, वो कैसे काटेंगे। तो यार बहुत टेंस हो जाता हूँ मैं, और कब तभी ना मैं विश करता हूँ कि जितना हो सके यार मुंबई भागू, अपने सागर भाई के पास जाऊँ, उधर ही कटाऊँ। तो यार एक भरोसा भी रहता है और हेयर कट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यार चलो फटाफट जाते हैं यार, पैकिंग वैकिंग भी करना है, काफ़ी सारे काम पेंडिंग है हमारे। तो चलो यार निकलते हैं, घर पर चलते हैं। दी नेक्स्ट डे ट्रैवलिंग वगैरह हम करते हैं ना तो काफ़ी सारे छोटे मोटे बड़े बड़े जो चीज़ होते हैं ना हमें वो देखना होता है कि सबसे पहले जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्रॉपरली जो है अपने चीज़ों को आप प्रॉपर सेट कर लीजिए। साथ ही में जो डेली बेसिस के मेडिसिन होते हैं काइंड ऑफ फीवर का हो गया पकड़ लीजिए, अगर आपका तबीयत भी ख़राब होता है वो हेडेक का हो गया, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग, ये सब चीज़ जो है आप ट्रैवल में जो भी है आप लीजिए। तो फिलहाल मुझे भी जाना है, ये सब छोटे मोटे चीज़ लेना है,
और गब्बू के लिए सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा रिमोट कंट्रोल टॉय लूँ। तो फिलहाल चलिए मैं चलता हूँ बाहर और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ चंद्र गिफ्ट कॉर्नर। मेरे यहाँ का एक गिफ्ट शॉप है और ये चंद्र गिफ्ट कॉर्नर के ओनर। और मैं जब भी काफ़ी मतलब बोलते ना यंग एज से जो भी टॉयज वगैरह जो भी कुछ स्टेशनरी आइटम्स है जो भी जिस किस्म का प्रकार जो चीज़ होता है मैं यहाँ पर ही आता था। फिलहाल चलो चेक करते हैं कि रिमोट कंट्रोल कार जो है वो कौन सा है और थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। तो भाई सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, बैग्स वगैरह अभी भी पैकिंग फाइनल पैकिंग थोड़ा बहुत बाकी है। अभी हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में और उस वीडियो का जो लोकेशन होगा नया, उसके बाद के जितने भी वीडियोस आएंगे सब के जो लोकेशन से होगा अलग। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और जो भी आज नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नीचे, पास में उसका एक बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर। और मिलते हैं एक नए लोकेशन में और एक नए वीडियो में।